करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख में दो लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, साथ ही लद्दाख के 9 मरीजों को घर में वापस भी भेजा गया जो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। दरअसल लद्दाख में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त 14 लोगों में से 9 लोग पिछले 12 दिनों में ठीक हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के 11 मामले लेह से जबकि 3 करगिल जिले से दर्ज किए गए थे, जिसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, आप वो देखिए। कोरोना वायरस के चलते लद्दाख से बड़ी और अच्छी खबर आ रही है, वो ये है कि आज 2 और पॉजिटिव केसेस सियादियाब हो गए हैं। 2 और पॉजिटिव केसेस के सैंपल नेगेटिव आई है और अब लद्दाख में टोटल 9 कोविड-19 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, 9 से सियादियाब हो चुके हैं और 14 में से अब सिर्फ 5 ट्रीटमेंट में है, अंडर ट्रीटमेंट है। और इस वक्त मैं ठीक कारगिल में मौजूद हूँ। यहाँ पे बसीज इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल की जानिब से एक कैंपेन शुरू किया है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए और इन्होंने अहद किया है कि पूरे कारगिल टाउन को सैनिटाइज किया जाएगा। और हम यहाँ के उनके एक नुमाइंदे से जानना चाहेंगे, सर जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे सैनिटाइजिंग कैंपेन शुरू किया है जो कि आज 4 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाला है। जी, जो आज का सैनिटाइजेशन जो है बाज़ार का पूरा मुकम्मल तरीके से हम सैनिटाइज करने जा रहे हैं। सैनिटाइज करने से पहले हम बाज़ार की पूरा सफाई सुथराई करेंगे, जहाँ उस पर भी गंदे होंगे उसको हम हटा लेंगे। इसका वाहिद मकसद यह है कि हमारे माहौल को ऐसे जरासीम से पाक रखें और ऐसे आलूदगी चीज़ से पाक रखें ताकि ये जो कोरोना वायरस का जो साया जो है वो हमारे खत्ता लद्दाख से ख़त्म हो। और आज का ये जो ऑपरेशन जो है ये हमारा 4th ऑपरेशन है। हमने जो भी हमने कोविड-19 के अगेंस्ट जो तहरीक चलाई उसको हमने एक नाम लगाया है और आज का जो तहरीक जो है वो अमलियात शबीह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत आज यूथ डे भी है, रोज़ जवान है। रोज़ जवान के दिन हमने 3 दिन का प्रोग्राम देकर पूरे बाज़ार को सफाई करने का हमने इरादा किया है। यूथ डे के मौके पे बसीज इमाम की जानिब से आज इन्होंने अहद किया है, एक कैंपेन शुरू किया है, पूरे करगिल टाउन को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे करगिल टाउन को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी बसीज इमाम करगिल की जानिब से करगिल के अलग अलग इलाकों में, टाउन के अलग अलग जगहों पर सैनिटाइजिंग पॉइंट्स बनाया था, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसे सर सैनिटाइजिंग पॉइंट्स बनाया था इससे पहले, तो आप क्या कहेंगे? और कोविड-19 के चलते इस वक्त पूरे देश में जो है जो संख्या वो बढ़ती जा रही है लेकिन लद्दाख में कंट्रोल से स्थिति है, तो अभी लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की अशद जरूरत है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ही मशहूर हूँ करगिल के पूरे आवाम से, चाहे माँ बहनों बुजुर्ग हो, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर ने हिदायत दी उनके हिदायत पर अमर पैरा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में जब तक हम अपने आप को एक दूसरे से अलग थलग नहीं करेंगे तब तक ये जो कोविड-19 का वायरस जो है वो यहाँ से पाक नहीं होगा। लिहाजा हम एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला इंतजाम जो भी हमें हिदायत देते हैं उन पर अमल पैरा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर साहबान घर बार छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़कर इस महामारी के दौर में उन पेशेंट के साथ वो मिले हुए हैं उनको सियादियाबी के लिए, तो हमें उन डॉक्टरों के लिए अपने घर में रहने की अशद ज़रूरत है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं बटाएंगे तो ये हमारे यहाँ से ख़त्म होना नामुमकिन है। लद्दाख में जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से, मेडिकल की जानिब से एडवाइजरीज और प्रिकॉशनरी मेजर जारी किया था, इसके बाद से लोगों ने जो लॉकडाउन है और एडवाइजरी और प्रिकॉशनरी मेजर्स का पालन किया, इसी वजह से आज लद्दाख में कोविड-19 के चलते जो हालात है वो सामान्य नज़र आ रहा है, हालात ठीक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब लद्दाख में जो पॉजिटिव केसेज हैं उनके अभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, इसी वजह से अभी लद्दाख में 9 केसेज के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आई है और 9 पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं।